चलिए, तो यहाँ पे 12th का जो फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, 12th मैथ्स, मैथ्स 2 का फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन, जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद द टेबल। देखो, उन्होंने भी शुरुआत ही की है टेबल के साथ। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि भाई डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? सो दीज आर फ्यू थिंग्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड दैट वन हैज टू रिमेम्बर। 11th में शायद ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। शायद ये वाला पार्ट हमने 11th में नहीं किया है, तो लेट्स लेट्स डू दिस नाउ, ठीक है? डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। डिफरेंशिएशन इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव, ठीक है? अब इसमें कुछ उसके जो मतलब है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई बोलिए या इसको एफ ऑफ एक्स बोलिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट इज गिवन बाय एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब उसका डेरिवेटिव होता है, और उसको हम लिखते हैं इन टर्म ऑफ लिमिट, लिमिट एज एच टेंड्स टू जीरो, एज एच टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये आपको याद रखना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस डेफिनेशन का उपयोग किया जाएगा। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इज दिस ओके? इज दैट क्लियर? ठीक है, इसे हम कई बार डीवाई बाय डीएक्स इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। दिस इज अ वे ऑफ डिनोटिंग दिस, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पूछूं कि भाई वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा एक फंक्शन है, ठीक है? ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स विच इज डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स विच इज एक्चुअली इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। क्या आप में से कोई इसका जवाब दे सकता है? कैन एनी बडी आंसर दिस, कैन एनी बडी आंसर दिस, कैन एनी बडी आंसर दिस? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फटाफट बताइए, कम ऑन, हेलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज डी एक्स स्क्वायर, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज करेक्ट। अब इसका अगला स्टेप मैं आपको पूछने वाला हूँ, अब इसका अगला स्टेप मैं आपको पूछने वाला हूं। अगर मैं आपको पूछता हूं इफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू, पहले तो मैं एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाय डी एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लूंगा, जो के बनेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, बट आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू टू, सो फिर मैं बाद में लिखूंगा देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू, जिसे मैं डिनोट करूंगा एफ डैश ऑफ एक्स के जगह पर टू, एक्स के जगह पर टू, तो आंसर आएगा 2 टू द 4, 3 जा 12। इज दिस क्लियर? क्या ये समझ में आ गया सबको? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? प्लीज आंसर।
बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है इसका मैंने। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? तो देखिए, तो ये बताइए मुझे आप, अब मुझे ये बताइए आप लोग, सो दिस इज एफ ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स लिखा, बट दिस वाज एट ए एट सम वैल्यू। तो उसी प्रकार अगर मुझे यहाँ पे, इफ आई वांट टू राइट हियर कि भाई इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ डबल एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एज एच टेंस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। मुझे इस दो डेफिनेशन, ये दोनों चीजें जो मैंने लिखी है उसमें क्या क्या अंतर है, क्या फर्क है वो बताइए प्लीज। सी दिस इज डेरिवेटिव, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूँ या पूछूँ तो इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड कि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वॉट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट इज 3x2। द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई करूँ कि वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव, एट एक्स इज इक्वल टू टू मतलब मुझे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड उसके बाद एक्स के जगह पर टू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग व्हाट आई टोल्ड यू हियर? हेलो, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? तो उसी तरह से, हेलो हाँ या ना बोल दो प्लीज, कम ऑन यू हैव टू आंसर इट। उसी तरह से यहाँ पर जो है, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का ये डेफिनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ लिमिट। तो डेरिवेटिव एंड लिमिट दे आर कनेक्टेड बाय दिस वे, लिमिट एज एच टेंस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये उसका एक्सप्लेनेशन है या फॉर्मूला है। दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? क्या ये आपको समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, डिड यू यस अंडरस्टैंड सर। दिस? अब ये है फॉर्मूला फॉर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बट एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो एक्स के जगह पर मैंने ए लिखा है, एक्स के जगह पर मैंने ए लिखा है, समझ में आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पर एक्स के जगह पर, यहाँ पर एक्स के जगह पर ए आ गया, या इधर एक्स के जगह पर ए आ गया, और इधर भी एक्स के जगह पर ए आ गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जो दिए थे वो दिए थे न्यूटन्स, बोथ आर द न्यूटन्स फॉर्मूले। ये दोनों के दोनों क्या है, किसने दिए हुए फॉर्मूले हैं? न्यूटन्स फॉर्मूले, ये न्यूटन ने दिए थे फॉर्मूले दोनों के दोनों। इज दिस ओके? अब हम देखेंगे लेबनीज वाला फॉर्मूला। दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन। अब हम देखेंगे तीसरा वाला फॉर्मूला विच वॉज गिवन बाय लेबनीज। लेबनीज, लेबनीज फॉर्मूला,
दोनों में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, मैं दोनों का कनेक्शन मैं आपको बता दूं। देखिए, एक्स इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स की वजह से वाई बदलता है तो वाई को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आई रिपीट, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब अपने मन से चेंज होगा एक्स, वेर वाई इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो वाई डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, तो एक्स का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू चेंज होगा भाई, कितने अमाउंट से एक्स का वैल्यू चेंज होगा? एक्स का वैल्यू चेंज होगा अमाउंट एच से। तो व्हाट इज द नया वैल्यू ऑफ एक्स? इट इज एक्स प्लस एच। तो उस हिसाब से वाई का भी तो वैल्यू चेंज होगा, वाई का मतलब एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का अगर वैल्यू हम चेंज होता हुआ लिखते हैं, इफ आई राइट दिस वैल्यू एफ ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स का नया वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इज दिस क्लियर? इज दिस ओके? ओके, सो अब मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब रेट का मतलब क्या होगा? एंड विथ रिस्पेक्ट टू मतलब क्या? मतलब दिस इज नथिंग बट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। तो व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई? वाई का वैल्यू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब व्हाट इज दैट? इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स? दिस माइनस दिस, मतलब इट इज ओनली एच। ठीक है, दिस एंड लेट मी टेक दिस, इसका मैं लिमिट ले लूंगा, लिमिट एज दिस एच टेंड्स टू जीरो, सो दिस इज कॉल्ड एज एफ डैश ऑफ एक्स। ये न्यूटन का फॉर्मूला आ गया, ये न्यूटन का फॉर्मूला आ गया। अब वही फॉर्मूला मैं लेबनीज के लिए अप्लाई करूं, वही फॉर्मूला मैं लेबनीज के लिए अप्लाई करूं, तो लेबनीज में सिर्फ नोटेशन अलग यूज किया था। क्या न्यूटन का, लेबनीज का नोटेशन था? नोटेशन एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक्स का वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पर एक्स से चेंज हो रहा है, एच से चेंज हो रहा है। यहाँ पर लेबनीज बोलता है कि एक्स इज चेंजिंग बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, कितना? डेल्टा एक्स। व्हाट इज द नया वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इस वजह से वाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा, कितने से? डेल्टा वाई से। सो व्हाट इज नया वैल्यू ऑफ वाई? वाई प्लस डेल्टा वाई। ओके, अब मैं यही यूज करूंगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। व्हाट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई? चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई इज डेल्टा वाई अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स इज डेल्टा एक्स। ठीक है, एंड यू हैव टू टेक दिस लिमिट, लिमिट ले लो, जब ये एक्स का चेंज है वो जीरो की तरफ है, सो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। जैसे मैंने यहाँ पर लिमिट एज एच टेंड्स टू जीरो, तो ये कहलाएगा लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन हमें मालूम है दिस इज कॉल्ड एज डी वाई बाई डी एक्स, हम इसको क्या कहते हैं? डी वाई बाई डी एक्स, एंड डी वाई बाई डी एक्स का ही मतलब होता है एफ डैश एक्स। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लेबनीज, ये लेबनीज का फॉर्मूला है और ये न्यूटन का फॉर्मूला है, और दोनों में कोई खास अंतर है नहीं। यहाँ पर मैंने दोनों के नोटेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्स का जो चेंज होता है उसको एच बोलते हैं, वाई का चेंज होगा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहाँ पर होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, सो चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई अपॉन चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इज डिनोटेड बाय डी वाई बाय डी एक्स। तो ये फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं, प्लीज ट्रांसफर दिस फॉर्मूली ऑन योर फॉर्मूला पेज या फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला पेज या फॉर्मूला बुक में ये फॉर्मूले ट्रांसफर कर दीजिएगा और उसको हर रोज पढ़ना रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा। 1, 2 एंड 3, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
ये 11th से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको याद रखनी है या यूज करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस जो है उसके डेरिवेटिव्स हमको लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए स्टैंडर्ड फंक्शन देखिए, यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक अगर आप देखते हो, ये टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड कर सकते हो 15 तारीख तक, अगर आपको मिल गया। मार्केट में मिल रहा है क्या टेक्स्ट बुक? पता नहीं मुझे अभी। तो ये जो फॉर्मूले हैं, यही फॉर्मूले हमको लिखने हैं। आप मुझे बताओगे ये फॉर्मूले, ठीक है? आपको आते हैं फॉर्मूले, तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन विच आई एम गोना आस्क यू नाउ। तो यहाँ पर आप मुझे फॉर्मूले बताओगे। चलिए कॉलम्स बना लूंगा मैं यहाँ पर। पहला फॉर्मूला है लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पहला कॉलम है। फिर उसका फॉर्मूला बनेगा, इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। चलिए बता दीजिए मुझे एक एक करके। और एक तीसरा कॉलम मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। या तो मैं इसको एक इसके फॉर्मेट में लिखता हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो dy बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है? चलिए बताइए। फिर इसको मैं बोलूंगा 1a डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। फिर इसको बोलेंगे 1b डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। फिर इसको बोलेंगे और एक होगा 1c कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो गया, 1 अपॉन एक्स हो गया, और कौन सा रहेगा था? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। आप बताओगे फॉर्मूले, प्लीज आंसर दिस। दूसरा फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, रूट एक्स हो गया, 1 अपॉन एक्स हो गया, एक्स रेस टू एन हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बताइए, ठीक है। तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बताइए। आर यू ऑल देयर ऑन द लाइन प्लीज प्लीज आंसर। हेलो, अब आपको आंसर्स करने पड़ेंगे। हाँ प्लीज प्लीज डोंट गिव आइडल, यू गॉट टू आंसर इट। कम ऑन टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, फटाफट बताओ जिसको भी आता है। हेलो हेलो अवनीश, अपर्णा, दोनों आंसर कर सकते हो। ओम ठीक है, वो शायद म्यूट पे चला गया, किधर है पता नहीं। हाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, प्लीज आंसर। आर यू एन देयर ऑन द इनटू लाइन एक्स रेस टू एन प्लीज? माइनस वन करेक्ट, प्लीज आंसर, डोंट कीप साइलेंट। एन इनटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। दूसरा बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, फटाफट बताओ। चलो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तीसरा बताओ डी बाई डी एक्स एक्स। आर यू रिवाइजिंग द फॉर्मूली एवरी डे? हेलो, आर यू रिवाइजिंग द फॉर्मूली एवरी डे? दिस इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, बोलो बोलो कॉस बोलो बोलो एक्स बोलो, कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, ऐसा ये चलता रहेगा, दिस विल गो ऑन एंड ऑन। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए अपने को। वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ चेन रूल। क्या है चेन रूल देखते हैं, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये तो है पहला वाला कॉलम जो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, वेरी लिटिल चेंज आई टू डू हियर। इट्स अ स्मॉल चेंज व्हिच आई एम गोइंग टू डू हियर, आप लोग उसका आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। चेंज क्या है मैं आपको बता रही हूँ, गौर से देखिए, गौर से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। अब मैं एक्स के जगह पर, यहां पर जहां का वही एक्स था ना एक्स, तो उस एक्स के जगह पर मैं ब्रैकेट लिखने वाला हूं। देखिए फर्क कैसे होगा, आप देखिए गौर से देखिए। दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट रेस टू एन, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट रेस टू एन, सो इट विल बी गिवन बाय एन इंटू
ब्रैकेट रेस टू एन माइनस वन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। बाकी सब फॉर्मूला सेम वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ एक्स के जगह पर ब्रैकेट आएगा और लास्ट में हम इसको लिखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस वर्किंग रूल? बहुत सिंपल वर्किंग रूल है मैंने आपको जो बता रहा हूँ। प्लीज अप्लाई दिस वर्किंग रूल एंड आंसर मी द फॉर्मूली हेंस फोर्थ। तो 1A फॉर्मूला क्या होगा बताइए? कम ऑन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के जगह पर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट, स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट। तो ये क्या आएगा? वन अपॉन टू रूट ब्रैकेट और एंड में क्या करेंगे? इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? एक्स के जगह पर ब्रैकेट लिखो और लास्ट में सिर्फ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट ऐसा लिखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगले वाले बताइए प्लीज आंसर इट। 1B अपर्णा एंड अवनीश, बोथ ऑफ यू गॉट टू आंसर, डोंट सिट आइडल, आंसर करिए। चलिए आंसर कीजिएगा। नेहा यू आर देयर, आ गई क्या नेहा? यू आर ज्वाइन, गुड। चलिए आंसर कीजिएगा। अपर्णा अवनीश आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली? कम ऑन आंसर। डी बाय डी एक्स वन अपॉन ब्रैकेट के जगह पर आएगा ब्रैकेट, ठीक है? यस सर। इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस वन अपॉन ब्रैकेट, माइनस वन अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस वन अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर, ओके बराबर है क्या? इनटू माइनस वन अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डी बाय डी एक्स ब्रैकेट, डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, समझे क्या? इजंट इट? अब देखिए ये 1C जो है उसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो मैं 1C के जगह पर डैश डाल दे रहा हूँ। अब अगला वाला फॉर्मूला बताइए, कम ऑन, सेकेंड फॉर्मूला, व्हाट इज दैट? डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ब्रैकेट, समझे क्या? इज इक्वल टू, बोलो, इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा? कॉस ब्रैकेट, कॉस ऑफ ब्रैकेट, कॉस ऑफ ब्रैकेट इनटू, बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, करेक्ट। प्लीज आंसर फटाफट आंसर करो, टाइम पास मत करो, बहुत सिंपल है ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? चलिए तीसरा वाला बताइए, फटाफट बता दो, कम ऑन। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ब्रैकेट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट, करेक्ट, माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, बराबर है क्या? यस सर। डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया? चलो अगले वाले सारे फॉर्मूले अभी आप लोग मुझे बताओगे। अपर्णा कैन यू हियर मी प्रॉपरली? अपर्णा कैन यू हियर मी, से यस और नो? चलिए बोलिए जल्दी, अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मुझे आप फटाफट बताइएगा, सारे 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 के सारे फॉर्मूले अपने को यहाँ पर लिखने हैं, बताए। चलिए बताइए प्लीज क्या बनेगा? हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या आएगा? हेलो, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या आएगा? सिक्स स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए? डी बाई डी एक्स ऑफ टैन ऑफ ब्रैकेट, टैन ऑफ ब्रैकेट क्या आएगा? इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, समझ में आ रहा है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? हेलो हेलो अपर्णा, आर यू देयर? हेलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी क्वेश्चन
और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, आपको ये बताना है मुझे। सिक्स वाला डी बाई एक्स ऑफ सेक एक्स, फिर उसका वाला अगला वाला डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, फिर उसके अगला वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, फिर उसका अगला वाला डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, ठीक है, फिर उसका अगला वाला डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स। चलिए बता दीजिए फटाफट सारे फॉर्मूले बता दीजिए। तो कम ऑन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, अगला तो ये क्या आएगा फॉर्मूला यहाँ पर कनेक्टेड जो आएगा, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ ब्रैकेट इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, समझे क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सिक्स फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ ब्रैकेट इज इक्वल टू सेक ऑफ ब्रैकेट इंटू टैन ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, समझे? डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट, तो ये क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ बोलो कोसेक ऑफ ब्रैकेट इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ ब्रैकेट माइनस कोसेक ऑफ ब्रैकेट इनटू, बोलो कम ऑन आंसर, कॉट ब्रैकेट कॉट ऑफ ब्रैकेट इनटू बोलो डी बाई, डोंट गिव डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। चलो अगला वाला बताओ, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, कम ऑन आंसर, कम ऑन आंसर, ए रेस टू एक्स लॉग ए, ए रेस टू एक्स लॉग ए, चलो उसको अप्लाई कर दो इधर, क्या आएगा बताओ? एट, फॉर्मूला नंबर एट, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस डी बाई डी एक्स ऑफ ए ब्रैकेट ऑफ ए रेस ब्रैकेट इज इक्वल टू क्या आएगा? ए रेस बोलो लॉग ए, ए रेस टू ब्रैकेट लॉग ए इनटू लॉग ए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट e raise to x का derivative is e raise to x, e raise to x, हाँ इधर क्या आएगा? d by dx of e raise to bracket is equal to क्या आएगा? e raise to bracket into d by dx of e raise to bracket log x derivative 1 upon x, इधर क्या आएगा? d by dx of log of bracket is equal to क्या आएगा? 1 upon bracket into d by dx of bracket, समझ में आ गई बात? हेलो हेलो, यस इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, इज दिस ओके, इज दैट ओके, हेलो इज दैट ओके, यस सर। तो ये फॉर्मूला जो है दिस इज कॉल्ड एज यूज ऑफ चेन रूल, आई रिपीट दिस इज कॉल्ड एज यूज ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं? यूज ऑफ चेन रूल बोलते हैं इसको। ये जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिखा है हम इसको चेन रूल कहते हैं, वी कॉल दिस एज अ चेन रूल, ठीक है। ये जो फॉर्मूले है इसे कहते हैं यूज ऑफ चेन रूल, यूज ऑफ चेन रूल। चेन रूल को और एक अलग तरीके से भी हम देखने वाले हैं। वेल ये ही यूज करके हमें पहला एक्सरसाइज सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज मेकिंग यूज ऑफ दिस ओनली, ठीक है। तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज नाउ। यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज जो है टेक्स्ट बुक में से वो मैं शुरू करता हूँ, इट्स ऑन पेज नंबर 11। ये रहा एक्सरसाइज 1.1 एंड दिस एक्सरसाइज इज एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा जो है इट इज टोटली
दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द ओके सो यहाँ पर द फर्स्ट एक्सरसाइज आई गो फॉर देखिए पहला एक्सरसाइज उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने शुरू करते हैं क्या बोल रहे हैं बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई विल गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन इफ वी स्टार्ट हियर विद द सॉल्यूशन सॉल्यूशन वन में का वन ये जो भी कुछ दिया है उसको मैं बोलूंगा y या फिर इसको मुझे बोलना पड़ेगा f ऑफ x एंड दैट इज गिवन बाय x क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट रेस टू फाइव मुझे चाहिए dy बाय dx मुझे मतलब इसका डेरिवेटिव चाहिए इट इज dy बाय dx जिसे हम कहते हैं f डैश ऑफ x एंड दैट इज नथिंग बट d बाय dx ऑफ x क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट रेस टू फाइव आप लोग इसे ऐसे देखिएगा कि दिस इज ब्रैकेट रेस टू फाइव ऐसा है यू लुक एट इट इन दिस वे यू लुक एट इट इन दिस वे इज दिस ब्रैकेट रेस टू फाइव इज दिस ब्रैकेट रेस टू फाइव है ना अगर वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू फाइव होता तो आपने आंसर क्या लिखना था फाइव एक्स रेस टू फोर लेकिन ये ब्रैकेट रेस टू फाइव है तो वो क्या ऐसे लिखा जाएगा विल बी रिटन एज फाइव इंटू ब्रैकेट रेस टू फोर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट क्या है ये ब्रैकेट बता सकते हो आप लोग मुझे वॉट इज दिस ब्रैकेट हेलो क्या है ये ब्रैकेट दिस ब्रैकेट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लीज आंसर डोंट सिट आइडल सॉरी एक्स क्यूब दिस इज एक्स क्यूब प्लीज आंसर डोंट सिट आइडल कैन यू हियर मी या दिस इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन चलो अब मुझे बता दो क्या आएगा ये सो दिस इज फाइव इंटू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट इज टू फोर अब इसका डेरिवेटिव बता दो मुझे एक एक करके कम ऑन चलो बता दो इसका डेरिवेटिव क्या है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है 3x square x क्यूब या x क्यूब का डेरिवेटिव 3x square isn't it so I'll write it as into 3x square minus 2x का डेरिवेटिव क्या होता है कम ऑन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ minus 2x इफ यू आर हैविंग सो इट विल बी minus 2 माइनस टू माइनस टू इंटू वन मतलब माइनस टू एंड वॉट इज डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट इट इज जीरो डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज जीरो इज दिस ओके यस राइट ठीक है अब सो सो व्हाट विल बी द आंसर हियर लाइक फाइव इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन ब्रैकेट रेस टू फोर वेल दिस इज द आंसर इज दिस ओके Is that clear? Yes. So this is how we apply the chain rule. उसी तरीके से आपको ये करने हैं तो मैं इसमें से मैं काम करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन नंबर टू वाला जो है वो ट्राई कीजिएगा और थ्री वाला भी ट्राई कीजिएगा फोर्थ वाला मैं करूँगा तो ये दोनों के दोनों आप लोग एज अ होमवर्क ट्राई कीजिएगा ये शीट में आपको आज भेज रहा हूँ इज दिस ओके प्लीज प्रैक्टिस दिस ठीक है आप मुझे कल इसके आंसर्स बता दीजिएगा We'll stop here today. The either way, Rohit is not there. Any idea why he's not there? Chalo koi nahi. We'll stop here today.